गाइस, मैं अश्मिया मन्नैन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जिसने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज हमारी न्यू किचन में हो रहा है हॉब और चिमनी का इंस्टॉलेशन, और मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर रहता है। और जहाँ से हमने ये चिमनी और हॉब लिया था वो खुद ही आ रहे हैं इसका चिमनी का इंस्टॉलेशन करने, और हॉब को भी वो सेट करेंगे खुद ही। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या इसमें रहता है। और अभी हमारी किचन ऑलमोस्ट तो पूरी हो चुकी है, बट उसमें कुछ थोड़ा बहुत रहता है काम। तो जैसे हमारी किचन पूरी हो जाती है तो मैं आपको किचन टूर भी कराऊंगी। और ये वीडियो देखती हूँ या तो मैं किचन टूर के बाद डालूंगी या उससे पहले भी डाल सकती हूँ, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम देखते हैं नीचे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर भैया कर रहे हैं चिमनी की अनबॉक्सिंग। और ये चिमनी और हॉब हमने किचन बनने से पहले ही परचेज कर लिया था, क्योंकि अलग अलग चिमनी में, अलग अलग ब्रांड की चिमनी में साइज़ अलग अलग आता है, तो हमने ये पहले ही परचेज कर लिया था। और उसी के अकॉर्डिंग हमारे किचन में जो कैबिनेट बने हैं उसके साइड में, वो उसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं उसके साइज़ के। और उसी तरह से हॉब में भी उतना ही स्पेस छोड़ा गया जितना हॉब का साइज़ था। और यहाँ पर भैया मेजरमेंट ले रहे हैं चिमनी के लिए और चिमनी को सेट कर रहे हैं। और इसके लिए हमने इसका एल्युमिनियम का इसका पाइप लिया था, और ये पाइप 6 इंची पाइप है, और इसमें 4 इंची पाइप भी आता है, बट उसमें आवाज़ चिमनी ज़्यादा करती है, 6 इंची पाइप में थोड़ा सा कम करती है। अब मोस्टली 6 इंची पाइप ही यूज़ करते हैं इसमें। और जो ये पाइप था हमने बाद में इसे कवर भी करवा लिया था, और ये पाइप हमारे मतलब छोटा पड़ रहा था, तो इसलिए भैया ने इसमें कुछ ऐड करके इसे बाहर की तरफ निकाला था। और ये हॉब और चिमनी में हमने ऑफलाइन ही परचेज किया था, और ये हमने इसमें लेटेस्ट मॉडल लिया था। इसका हमने ऑनलाइन भी चेक किया था और तो सेम प्राइस पड़ रहा था, तो हमने इसे ऑफलाइन ही लिया है। और यहाँ पर भैया इसे कवर कर रहे हैं और इसे इस पाइप को बाहर की तरफ इसमें निकाला गया था, और यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ये सही से काम कर रही है या नहीं। चिमनी हमारी लग चुकी है और यहाँ पर भैया चेक कर रहे हैं, और साथ के साथ हमें बताएंगे कि इसे कैसे यूज करना है, कैसे कैसे इसकी सर्विसेज होती है, टाइम टू टाइम इसे क्लीन करना है, ऐसे कुछ इसके बारे में बता रहे थे। अच्छा, टच सर जाएगा पहले इसमें, फिर इसमें या पहली स्पीड या दूसरी या तीसरी, इससे मान लो ये अपना लाइट का ऑन ऑफ का। अच्छा ठीक है जी। टाइमर क्या जी? टाइमर अपना बोलते हैं, एक मिनट टाइमर। तो हाँ, ये लास्ट वाला क्या है, मतलब साइड नहीं, इससे सबसे लास्ट नहीं, इससे भी उधर ये चीज, ये चीज सर। हाँ, सेंसर है इसके। अच्छा, अब इसमें एक मिनट। अच्छा अच्छा, इसमें टच करेंगे वो 3 सेकंड तक, ये हो गया, इसमें ऑटो करनी चल रही है, ये करना आपने 2-3 महीने में एक बार। अच्छा हाँ, जब भी दो बीच में वो जमा होगा ना, तो वो फिंगर के मेल्ट होगी इसके अंदर आ जाएगा, ये बता के साफ करना। ठीक है, और ये तो हाँ, ये ही बताओ ये। हाँ, इसको टच करके रख दिया एक बार। अच्छा अच्छा, ये 2-3 महीने में एक बार करना। सर्विस वगैरह 2-3 साल के बाद करवानी। अच्छा, इस नंबर पे कॉल। अच्छा ठीक है, वो सर्विस जो है ना, ये सर्विस ही है जो कुछ। हाँ, ये जो है साथ के साथ। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हमने चिमनी तो उसी टाइम फिट करवा ली थी,
वो जो फिट करने वाले आते हैं, और होव रह गया था क्योंकि उस टाइम किचन में थोड़ा सा काम रहता था, तो अब हम होव फिट करवाएंगे। उसके लिए हमने ऐसे स्पेस छोड़ा हुआ है। इसमें पहले ये पत्थर की कटिंग हुई, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, दो लेयर बोर्ड के लगे हुए हैं, उसकी कटिंग हुई है पहले, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद फाइनल पत्थर की कटिंग हुई है, और यहाँ से उसका कनेक्शन होगा, एक साइड से लाइट का कनेक्शन होगा और लाइट से कनेक्ट होगा, और दूसरा यहाँ पर सिलेंडर से होगा। हमने सिलेंडर बाहर रखा है तो इसकी फिटिंग पहले ही करवा ली थी, और इसकी कॉपर की पाइप आती है पतली सी, उससे फिटिंग होती है, तो हमने सिलेंडर बाहर रखवाने थे, और जब टाइल लगने थी तो उस टाइम ही हमने इसकी फिटिंग करवा ली थी। और अब इसमें ये होब लगेगा, लैन कंपनी का ये होब लिया है, और ये इसके साथ ही चिमनी ली है, और अब इसकी फिटिंग। और ये वीडियो मैं करीब एक महीने के बाद बना रही थी चिमनी के लगने की, और अब हमारी किचन पूरी हो चुकी थी, सिर्फ होब और बिजली का काम ही इसमें बाकी था। तो आज भैया होब लगाने आए थे, और मैंने किचन टूर की वीडियो भी डाल दी है, आप वहाँ पर मेरी चेक कर सकते हैं, इससे पहले मैंने किचन टूर की वीडियो डाली है। और यहाँ पर भैया होब सेट कर रहे हैं इसमें पाइप वगैरह, और जो भी ये इन चिमनी इंस्टॉलेशन और होब का जो भी था, इसका अलग से चार्जेस था, जो भी इसमें पाइप वगैरह जो भी लगे थे इसका अलग से चार्जेस लगा था। और यहाँ पर ये सब नीचे से इसकी फिटिंग कर रहे थे, और हमने सिलेंडर बाहर रखा था तो उसका भी मैंने थोड़ा सा इसमें लिया है। और यहाँ पर भैया चेक करवा रहे थे, और इसमें ऐसा कुछ भी था जैसे चाय या दूध निकलने पर ये गैस अपने आप सप्लाई बंद हो जाती है इसकी, और ये इलेक्ट्रिक था जो जैसे इसमें लाइटर की जरूरत नहीं होती। ये अपने साथ ना सेंटर में ही रहेगा, यहाँ पे ये होल है ना, ये इस साइड रहेगा तो फुल है। ये इसकी फुल डिटेल मैंने अपने किचन टूर में भी दी है, आप वहाँ पर इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, दबाना है इसको। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपडेट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।